सूत जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त, काम अच्छा, सब कुछ अच्छा। अब जितने गुण उनमें कि वो सुबह उठने के बाद जब तक पूजा पाठ ना कर ले भोजन नहीं करते थे, वहीं उनकी पत्नी जिसका नाम था धुंधली, वो जब तक सुबह उठने के बाद दो तीन घरों में कले ना करवा दे तो वो भोजन ना करे। लेकिन इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न था। वो कहे कि ठीक है, ऐसी पत्नी दी है तो आप में लगा हुआ हूं, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो वो इस पर भी प्रसन्न नहीं था। उसके जीवन में सिर्फ एक दुख था कि उसे कोई संतान नहीं थी। उसने बड़ी कोशिशें की, हर रूप से कोशिश की, उसे संतान नहीं हो रही। अंत में वो अपने घर पर एक गौ माता लेकर आता है। उसने सोचा गौ माता के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसे अपनी संतान मानकर पाल लूंगा, पर ऐसा दुर्भाग्य वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसको लगने लगा कि मुझमें कोई दिक्कत है, मैं जिसे इस घर में लेकर आता हूं उसे संतानें नहीं होती। अब वो अपने आप से उसे इतनी हीन भावना होने लगी कि उसे लगा ऐसे जीवन का करना क्या है, तो वो आत्महत्या करने जाता है। नदी में कूदने ही वाला है कि पीछे से एक ऋषि खींच लेते हैं। अरे क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही त्याग दोगे। अब वो रोने लग गया। वो कहे कि मुझे कोई संतान नहीं है, संतान के बिना ये जीवन अधूरा लगता है। अरे संतान नहीं होगी तो मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा। संत ने कहा तो तुम्हारे हिसाब से जिस जिस के संतानें हैं सबका कल्याण हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। और अगर ये जन्म केवल अपना पेट भरने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए ही करना था तो तुम में और पशुओं में अंतर क्या है। भगवान ने मनुष्य जन्म कुछ सोच समझ कर दिया है आपको। तो संत बहुत समझाते हैं उसे, सारी बातें समझा रहे हैं, पर मानो ये सारी बातें व्यर्थ गई। वो रोने लग गया। वो कहता है मैं आपकी सारी बात समझता हूं, मैं सबका पालन करूंगा, पर मुझे संतान चाहिए, सिर्फ एक संतान, पर मुझे संतान चाहिए। उन्हें दया आ गई तो उन्होंने एक फल दिया, कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हें, क्योंकि इस फल में मैंने अपने आज तक के तप का तेज डाला है। ठीक है, वो जाता है अपनी पत्नी के पास, उसने पत्नी को सब बताया, फल दे दिया। अब पत्नी सोचे कि भगवान जाने कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए। और चलो मान लो कि मैं गर्भवती हो भी गई, पर 9 महीने तक तो आना जाना बंद हर जगह, क्योंकि उसका आना जाने का मतलब होता था कलह, लड़ाई झगड़े। अब ये तो वो पति करने नहीं देंगे, इतनी मुश्किल से उनके घर में खुशखबरी आने वाली है, वो ऐसा कोई काम नहीं करने देंगे जहां पर उसकी सेहत को हानि पहुंचे। तो वो कहे 9 महीने तक तो आना जाना बंद, चलो वो भी सहन कर लिया। तो 9 महीने बाद जो असहनीय पीड़ा होती है उसको कौन सहे। अब वो ये सब सोच ही रही है कि उसकी बहन का आना होता है। उसने अपनी बहन को सब बताया। बहन ने कहा देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं, मैं 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहो कि तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो भी गई, लेकिन संतान तुम अपने बहन के घर पैदा करोगी। उसने कहा ठीक है, लेकिन ये फल का क्या करें। बोले अब ये सबसे थोड़ी कुछ होना है, तो उसको गौ माता की टोकरी में डाल देते हैं, उसको गौ माता खा लेती है, वो गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए। उसकी तो बहन को बालक हुआ, उसने बदले में उसको धन दे दिया, और यहां गौ माता को भी बालक होता है।
दोनों के नाम रखे जाते हैं। तो धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी, और गौ माता से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण। क्यों? क्योंकि उसका शरीर मनुष्य का था पर कान गाय के थे, तो उसका नाम रखा गौकर्ण। दोनों बच्चे बड़े होते हैं, गौकर्ण जी बहुत ही अच्छे बालक हुए। वहीं पर धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न, नहीं सुना हो तो वापस कहूं, सर्व अवगुण संपन्न, ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसमें ना हो। झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, मदिरापान करना, गलत संग करना, जुआ करना, वो सारे काम करता। यहां पर कुछ समय बाद गौकर्ण जी गुरुकुल चले गए, आत्मदेव वैराग्य ले लेते हैं। अब उसकी माता और धुंधकारी घर पर, एक दिन उसे नशा करने के लिए धन की जरूरत थी। अब जो नशा करते हैं उनको सही समय पर नशा ना मिले तो उन्हें बड़ी बेचैनी होती है। अब वो बार बार मांग रहा है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। माता ने कहा मेरे पास एक रुपया नहीं है, मैं कहां से दूं। उसको इतना गुस्सा आया कि गुस्से में उसने अपनी माता को ही मार दिया। अब कई लोग उसके साथ, कई स्त्रियां इत्यादि सब रहने लगे। उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी करी। तब ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। तो एक रात्रि उसे बहुत मदिरा पान कराया गया। अब उसे मारने की कोशिश की जा रही है, बड़ी कोशिशें की, कुछ भी सफल नहीं हो रहा। अब वो अधमरी हालत में हो चुका है। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं वो उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। इसके बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिली, उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। यहां गौकर्ण जी को पता चलता है, वो घर पहुंचते हैं श्राद्ध इत्यादि करवा के। अब वो अपने घर में सोने जा रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। उन्होंने पूछा कौन है, उसने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। तब गौकर्ण जी सूर्यनारायण भगवान को पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सूर्यनारायण भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत कथा सप्ता पारायण करिए। ठीक है, अब कथा जब हो ही रही है तो सबको बुलाया गया। पहले अब विज्ञापन इत्यादि तो होता नहीं था, बैनर नहीं लगते थे, तो पहले क्या कि एक व्यक्ति को बता दिया जाता था, वो और चार को बताए, वो चार और चार को बताए, ऐसे करते करते सब कथा की जानकारी दे देते थे। तो कई लोग कथा सुनने आए। अब यहां पर गौकर्ण जी, क्योंकि धुंधकारी तो प्रेत है, प्रेत एक जगह ठहर नहीं सकता, तो सात गांठों वाला बांस मंगाया गया, उसके बीच उनको बांध कर रखा गया। पहले दिन की कथा होती है पहली गांठ फट जाती है, दूसरे दिन की कथा दूसरी गांठ फट जाती है, करते करते सात दिनों में सातों गांठें फटती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं। उनको लेने भगवान का विमान आता है। सात दिन में देखिए महिमा है इस कथा की। सात दिन में भगवान का विमान उनको लेने आया। अब यहां पर जब उनको ले जाने लगे तो गौकर्ण जी रोकते हैं कि नहीं रुको। वो कहे कथा सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों। जैसे मान लीजिए यहां कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि सातों दिन की कथा सुनेंगे, हाथ उठाना। तो मान लीजिए आपने सातों दिन की कथा सुनी और सातवें दिन भगवान आप में से सिर्फ किसी एक को दर्शन देकर चले जाए, आपको अच्छा लगेगा। किसी एक को आए दर्शन दे, उसको ही सिर्फ भगवान दिखे और किसी को दिखा नहीं, आपको अच्छा लगेगा।
हाँ कि ना? नहीं अच्छा लगेगा ना, आप यही कहेंगे कि कथा हमने भी सुनी, दर्शन हमको भी मिलने चाहिए, सबको दर्शन होने चाहिए जिस जिसने 7 दिन की कथा सुनी। तो गोकर्ण जी ने भी यही कहा कि जब कथा सबने सुनी तो विमान सर्विस के लिए क्यों। तब जो भगवान के पार्षद आए थे उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि केवल सुनने से कल्याण नहीं होता, ये उन्होंने सिर्फ कथा के लिए कही। वहां जितने लोग कथा सुनने आते थे, कथा सुने, उठे, कपड़े झाड़े, अपने घर गए, काम में लग गए। अब उनके पास तो कोई काम नहीं, वो तो बंधे हैं, अब वो चुपचाप पूरे दिन करे क्या? तो फिर वो चिंतन करते थे कि कथा में क्या बात हुई, क्या बताया गया, किसका मतलब क्या है। अब ये सोच सोच के उनको सार मिलता तो उनको रोना आता कि मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया जीवन भर। वो खूब रोए, उन्होंने इतना प्रायश्चित किया कि 7 दिनों में उनके सारे पाप धुल गए। श्रवण, चिंतन, मनन, ये आपका कल्याण करते हैं। तो पार्षदों ने समझाया कि केवल सुनने से कल्याण नहीं होता था, इसने इन तीनों को अपने जीवन में उतारा, इसीलिए भगवान का विमान आया। तो इन बातों को ध्यान में रखकर दूसरी बार कथा होती है, और दूसरी बार जितने भक्तों ने कथा सुनी थी उन सबके लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है।